Hi guys, welcome back to the channel Study Time, and today we are going to start with a new chapter of economics, that is chapter number 5, forms of market. Okay, so you know what is a market? A market is a place where buying and selling of goods take place. Okay, so now in this chapter we are going to learn different types of market. Okay, so let's begin. Introduction. Market is generally understood as a particular place or locality where goods are sold and purchased. Okay, तो market क्या होता है? Market एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम goods और कोई भी commodity बेचते हैं या फिर खरीदते हैं. But in economics, market refers to an arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly, and exchange of goods and services takes place among them. Okay, मतलब अगर हम economics में बात करें तो market एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं वो एक जगह पे आते हैं, एक दूसरे के परिचय में आते हैं directly या फिर indirectly for exchange of goods and services. मतलब जो हमारे goods या फिर service है उनको बेचने के लिए या खरीदने के लिए, उसे हम बोलते हैं मार्केट. ओके, डेफिनेशन ऑफ मार्केट. ओके, तो मार्केट का डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंगली टू अगस्टिन कॉटनॉट. ओके, तो इन्होंने मार्केट के बारे में डेफिनेशन दिया है. इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच buyers and sellers are in such a close contact with one another that the price of the same goods tend to equality easily and quickly. मतलब कि अगस्टिन कॉटनॉट ने जो मार्केट के बारे में डेफिनेशन दिया है, तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, मतलब जो इकोनॉमी पे स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिस्ट. तो उन्होंने मार्केट इस टर्म के लिए बताया है कि एक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो वस्तु रहती है वो हम लोग बेचते हैं या फिर खरीदते हैं. ओके, बट मतलब कि ये तो करते ही है, पर वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर्स, मतलब जो खरीदते हैं वो, एंड सेलर्स जो बेचते हैं वो, एक दूसरे के पास आते हैं. ओके, उसकी जो प्राइस होती है किसी भी कमोडिटी की या फिर जो गुड की, वो वहाँ पर इक्वल होती है. ओके, तो वहाँ पे खरीदने के लिए हमें इजी और क्विक पड़ता है. ओके, तो सिंपल में हम लोग को पता है कि मार्केट क्या होता है. मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग गुड्स को खरीदने या बेचने जाते हैं, और वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर चीज़ लेनी है तो हमें वहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं और अलग अलग प्राइजेस भी मिलते हैं. ओके, मतलब वो इक्वल होती है. अगर आप एक दुकान में जाओगे बिस्किट्स लेने के लिए, तो एक बिस्किट अगर एक दुकान में 5 रुपये का है, तो पूरे मार्केट में किसी भी दुकान में जाओगे तो वो 5 ही रुपये का मिलेगा. सो उसके में प्राइस जो रहती है वो इक्वलिटी रहती है, और हमें किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए क्विक, मतलब हम लोग जल्दी से ढूंढ सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ अ मार्केट. थस मार्केट इज़ अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स. मतलब मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स ये मिलते हैं. At any point of time, a market will exist if there are. मतलब market हम लोग किसको बोलेंगे या फिर market कहाँ पे होता है? तो अगर ये जो 5 चीज़ें हैं ये वहाँ पे है, मतलब वो एक particular market है. Buyers and sellers, अगर किसी भी जगह पे buyers, मतलब बेचने वाला और ख़रीदने वाला है, तो वो market कह सकता है. और a product or service to be bought and sold. क्योंकि वहाँ पे ऐसे एक वस्तु है या फिर एक service है जो बेचना या ख़रीदना चाहते हैं. उसके बाद प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के लिए या फिर उस सर्विस के लिए अगर हम लोग कोई भी प्राइस, कोई भी कीमत चुका रहे हैं, तो क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. ओके, उसी जगह पे हम लोग को बायर्स एंड सेलर्स दोनों भी है, तो हम लोग उसे मार्केट कह सकते हैं. नॉलेज अबाउट द मार्केट, मतलब बायर और सेलर दोनों को भी मार्केट का नॉलेज है. ओके, मार्केट का ज्ञान है, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो मार्केट है. तो एक पर्टिकुलर चीज़ को मार्केट बोलने के लिए हमें 5 कंडीशंस है वो फॉलो करने पड़ती है. दैट इज़, उस जगह पे ख़रीदने वाला और बेचने वाला होना चाहिए. ओके, वहाँ पे प्रोडक्ट या फिर सर्विस होने चाहिए जो हम लोग बेचने या ख़रीदने वाले हैं, और प्रोडक्ट और सर्विस की एक प्राइस होनी चाहिए, कीमत होनी चाहिए
और उस जगह पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों भी होने चाहिए और बायर और सेलर को उस मार्केट के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ओके, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो एक मार्केट है, ओके। तो आगे चलते क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो ये जो मार्केट है उसको क्लासिफाई किया है अलग अलग कैटेगरीज में, ओके। तो उसका क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब उसके तीन टाइप के बेसिस है, उस पर मार्केट को क्लासिफाई किया है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, कि जगह के अनुसार उसको डिवाइड किया है तीन कैटेगरीज में, ओके। सो दैट इज लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ओके। लोकल मतलब जो हमारे लोकल एरिया में होता है उसे हम बोलते हैं लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब विद इन द कंट्री जो भी हमारा मार्केट होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेशनल मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट मतलब आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के बाउंड्री के बाहर अगर मार्केट है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट, ओके। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ओके। वक्त के अनुसार मार्केट को क्लासिफाई किया है इनटू फोर टाइप्स, ओके। सो दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, ओके। तो ये चार कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। सो थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, दैट इज स्पर्धा, ओके। स्पर्धा के अनुसार उसको पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बाद में तीन टाइप पे, ओके। एक जो टाइप है उसका अगन बाइफर्केशन किया है तीन टाइप में। तो पहला है परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये दो कैटेगरीज है। और उसके बाद जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोलिक मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओके। सो इसको ही हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओके। और ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम उसको भी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट वाला ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। फर्स्ट इज लोकल मार्केट। लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर सेल्स एंड कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट इन द रीजन और एन एरिया विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ओके। मतलब लोकल मार्केट मतलब जहाँ पे सेलर जो भी वस्तु है, जो भी कमोडिटी है, वो सेल करता है कस्टमर को, बायर को, उसी एरिया में, उसी रीजन में जहाँ पे वो बनाया गया है, मतलब जहाँ पे भी वो प्रोडक्ट बनाया गया है उसी रीजन, उसी एरिया में, उसी जगह पे अगर जो सेलर है वो बायर को वो चीज़ बेच रहा है तो हम लोग बोलेंगे दैट इज़ अ लोकल मार्केट, वो लोकल मार्केट हो गया। नेक्स्ट इज नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट इज़ अ डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री, ओके। मतलब नेशनल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो किसी भी कंट्री में होता है, ओके। उसी देश में अगर वो मार्केट चल रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे नेशनल मार्केट, और उसको हम लोग डोमेस्टिक मार्केट भी बोलते हैं। ईच नेशनल मार्केट इज़ गवर्न्ड बाय अ रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री, ओके। तो जो नेशनल मार्केट है उसे गवर्न कौन करता है, जिस भी कंट्री का वो नेशनल मार्केट है वो कंट्री उसको गवर्न करती है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। उसके बाद है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट इज़ अ वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो बायर एंड सेलर होता है वो गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उनका जो ट्रेड होता है वो रहता है, ओके, ऑन इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट बनाया है वो इंडिया में बनाया है, सेलर जो है वो इंडिया का है, बट जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं वो फॉरेन कंट्री को बेच रहे हैं, जैसे कि यूएसए, चाइना, ओके। तो वो हो गया इंटरनेशनल मार्केट, ओके। या फिर अगर चाइना में कोई प्रोडक्ट बनाया है और इंडिया का जो बायर है वो चाइना से ख़रीद रहा है तो वो भी एक इंटरनेशनल मार्केट का एग्जांपल हो गया। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ओके। वक्त के अनुसार हमारे पास चार कैटेगरी है, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड, ओके। तो पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड इज़ अ पीरियड इन विच सप्लाई इज़ फिक्स एंड द प्राइस इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड, ओके। मतलब बहुत कम समय के लिए अगर कोई मार्केट है तो उसका डिमांड है वो कौन डिटरमाइन करता है या डिसाइड करता है, तो दैट इज़ सप्लाई एंड द प्राइस, ओके। तो मतलब अगर डिमांड है तो ही सप्लाई होगा और जो प्राइस फिक्स है उसी बेसिस पे होगा। द
द टाइम पीरियड फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स इन विच द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैनॉट बी इंक्रीज. तो ये जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है ये बहुत कम दिनों के लिए होता है या वीक्स के लिए रहता है, तो उसका जो सप्लाई है कमोडिटीज़ का वो हम लोग बढ़ा नहीं सकते. ओके, अभी इसका मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो हम लोग का जो फन फेज होता है, जो यात्रा रहती है ना, वो वेरी शॉर्ट पीरियड में आएगा क्योंकि वो एक दिन दो दिन के लिए रहती है. ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट पीरियड. सो शॉर्ट पीरियड इज़ अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर. ओके, मतलब एक साल से कम अगर कोई भी मार्केट है दैट इज़ शॉर्ट पीरियड. इन दिस पीरियड फर्म्स कैन ओनली मेक एडजस्टमेंट इन इनपुट्स लाइक लेबर टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये जो शॉर्ट पीरियड मार्केट है यहाँ पे जो फर्म होते हैं या फिर जो बिजनेसेस होते हैं वो सिर्फ लेबर्स के इनपुट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं. लाइक अगर काम ज़्यादा है तो लेबर्स का सप्लाई बढ़ा सकती है कि ताकि वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके. ओके, नाउ द नेक्स्ट थर्ड टाइप इज लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कॉस्ट आर वेरिएबल. ओके, मतलब जो लॉन्ग रन के लिए जो मार्केट होते हैं उनका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और जो कॉस्ट होता है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता है. इन लॉन्ग रन फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट. ओके, अभी लॉन्ग रन बहुत टाइम तक बिजनेस चलने वाला है, फर्म है, तो वो जो कॉस्ट है वो एडजस्ट कर सकते हैं. इट इज़ फॉर अ फ्यू ईयर्स जनरली अप टू 5 years. ओके, तो जो लॉन्ग पीरियड मार्केट है वो बस 5 साल के लिए रहता है. ओके, ओनली फॉर 5 years. देन वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब बहुत लंबा. वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन टाइम दैट इज सो लॉन्ग दैट ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल. ओके, ये जो लॉन्ग पीरियड मार्केट है इसके लिए प्रोडक्शन का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए बहुत इनपुट्स लगते हैं. कि मतलब रॉ मटेरियल जो भी प्रोडक्शन के लिए लगेगा. इट इज़ मोर देन 5 years मतलब 5 साल से ज़्यादा ये मार्केट रहता है. ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, और जो कॉम्पिटिशन मार्केट है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी मच लेंदी. तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए. ओके, तो अभी तक जितना समझा है आई गेस यू अंडरस्टूड. सो अगर कुछ डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माई चैनल. दैट्स ऑल.